हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4 अगेन एंड let us take question number 4 from this exercise. The question is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो एक सिचुएशन है, दो दोस्त हैं, हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन सही हो सकती है उनकी एज के बारे में। एक कंडीशन ये है कि आज जो उनकी एज है वो उनका सम 20 इयर्स है और 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट 48 इयर्स था। तो हमें बताना है क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम देखेंगे कि अगर इसके रियल रूट्स आते हैं तो पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं आते हैं तो पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स ईयर्स, एज ऑफ द अदर फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज द सम ऑफ देयर एजेस इज 20 इयर्स। उनकी एज का सम 20 इयर्स है, अगर एक की हम एक्स ईयर्स रखते हैं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कितनी होगी? 20 माइनस एक्स ईयर्स। एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 4 इयर्स है, 4 साल पहले उनकी एज क्या हुई थी? जिस फ्रेंड की आज एक्स है उस फ्रेंड की 4 साल पहले एक्स माइनस 4 इयर्स, क्योंकि आज से 4 साल कम। इसी तरह से जिस फ्रेंड की एज आज 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले उसकी 20 माइनस एक्स से 4 साल कम, दैट इज माइनस 4। 20 माइनस 4 हो जाएगा 16, सो 60 माइनस एक्स ईयर्स। तो इस तरह से 4 साल पहले एक फ्रेंड की एज एक्स माइनस 4 इयर्स है और दूसरे फ्रेंड की एज 16 माइनस एक्स ईयर्स है। अब जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस 4 इयर्स एगो वाज 48 इयर्स, 4 साल पहले की जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट कितना था? 48। इस तरह से एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 48। एक्स माइनस 4 एक फ्रेंड की एज 4 साल पहले, 16 माइनस एक्स दूसरे फ्रेंड की एज 4 साल पहले, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 48। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 16x हो जाएगा, एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 को 16 के साथ माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 4 को माइनस एक्स के साथ प्लस 4x बन जाएगा इज इक्वल टू 48। 16x और 4x ऐड हो जाएगा और 20x बनेगा, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। अब इन तीन टर्म्स को भी इस साइड में लेके आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 20x प्लस है माइनस बन जाएगा, 64 माइनस है प्लस बन जाएगा, 48 अपनी जगह पर प्लस ही रहेगा इक्वल टू 0। अब 64 और 48 चूँकि दोनों इंटेजर्स हैं इनको सम हो जाएगा, इनका सम 112। इस तरह से अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या इन ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 20 और सी कॉन्स्टेंट 112। अब डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1 एंड सी दैट इज 112। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 20 स्क्वायर बनेगा 400, माइनस 20 माइनस 20 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 400, और इन तीन का प्रोडक्ट आएगा 448। इनको सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस ज़्यादा है तो माइनस 48 आ जाएगा इसका। अब चूँकि डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया वो नेगेटिव आ गया, सो लेस देन 0,
क्योंकि जब लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं आ सकते। तो इस तरह से हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। जब हमारे पास रियल रूट्स नहीं आते हैं, जब इसके पास एक्स का रियल वैल्यू आता ही नहीं है, तो ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से ये सिचुएशन नहीं हो सकती है कि आज की एज एंड फ्रेंड्स की उसका सम 20 ईयर्स है और आज से 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स होता। ये सिचुएशन मुमकिन नहीं हो सकती है। सो वी कैन राइट द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती थी जब एक्स के हमें रियल वैल्यूज निकलते हैं, जो यहाँ पर मुमकिन नहीं हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, 4.4 का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड। फिर एक सिचुएशन है कि एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, उसका पेरीमीटर 80 मीटर्स है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उस पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ बताएंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। लेंथ हम कितनी रखते हैं? एक्स मीटर्स रखते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 80 मीटर्स। पार्क का पेरीमीटर कितना है? 80 मीटर। चूँकि रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क इलेक्ट्रिक किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ होता है। सो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ आना चाहिए 80 मीटर्स। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई राइट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 80 बाई 2 लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल 80 बाई 2। 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 40। तो इस तरह से लेंथ प्लस ब्रेडथ कितना आ गया? 40 मीटर्स। अब लेंथ प्लस ब्रेडथ 40 मीटर्स है, लेंथ हमने x सपोज किया है, तो x प्लस ब्रेड इज इक्वल टू 40। ब्रेड यहीं पर रहने देते हैं, x को राइट साइड में लेके आएंगे माइनस x हो जाएगा। सो ब्रेड इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर्स। नाउ एरिया ऑफ द पार्क कितना है? रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। चूंकि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड होता है। सो एल मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो चूँकि लेंथ हमारे पास अब एक्स है जो हमने पहले सपोज की हुई थी, ब्रेड्थ यहाँ निकाली हमने 40 माइनस एक्स, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू 400। इनका प्रोडक्ट देखते हैं, एक्स को 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 40 एक्स हो जाएगा, एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400। अब इन दो टर्म्स को भी इस साइड में लेके आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 40x प्लस है माइनस हो जाएगा, 400 को अपनी ही जगह रहने देते हैं, प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं कोफिशंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशंट 1 है सो a इज इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशंट माइनस 40, b इज इक्वल टू माइनस 40, कॉन्स्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 400। अब b स्क्वायर माइनस 4 ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर दैट इज माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c 400। माइनस 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा। इन तीन का प्रोडक्ट जब इनको मल्टीप्लाई के 4, 1 और 400 को, ये से भी 1600 हो जाएगा। 1600 में से 1600 जब निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 आ गया। जैसे आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स। दो रूट्स आएंगे लेकिन इक्वल होंगे वो, और रियल नंबर्स होंगे। चूँकि रियल नंबर्स हैं इसलिए हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे जो इस पार्क के लेंथ एंड ब्रेड्थ हो सकते हैं, क्योंकि रियल वैल्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन हैव ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर्स एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होंगे आएंगे उसके साइड्स। उसके लिए हमें
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। यहाँ ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी दैट इज माइनस 440 स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था कितना, माइनस 40। तो इस तरह बी का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे माइनस 40 माइनस माइनस 40 प्लस माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ये हमने यहाँ पर निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना आ गया था, जीरो, इसलिए हम इसको यहाँ पर जीरो ही रख देते हैं, दोबारा इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो माइनस माइनस दो है, दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 1 2, क्योंकि प्लस रूट जीरो प्लस माइनस इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। तो हमारे पास अब रह जाता है क्या, 40/2। 40/2 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 20 आ जाता है। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारे पास आ गया 20। अब चूंकि x का वैल्यू हमारे पास 20 है, इसलिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो हमने x रखा था क्वेश्चन के स्टार्ट पर, तो वो 20 आ गया। अब ब्रेड्थ फिर क्या आ गया था, यहाँ देखते हैं इस स्टेप पर बी इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर्स। तो इस तरह से यहाँ भी हम वही यूज़ करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स का वैल्यू जो हमें आया है 20, सो 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 20 मीटर्स। सो इस तरह से इस पार्क का लेंथ भी 20 मीटर है, इस पार्क का ब्रेड्थ भी 20 मीटर्स है। दस वी कैन हैव ए पार्क ऑफ लेंथ 20 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 20 मीटर्स, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, इट विल बी ए स्क्वायर पार्क, नो डाउट स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। Thus it is possible that we can have a park, rectangular park of length 20 meters and breadth also 20 meters. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आज हमने ख़त्म कर दी, इसके भी जितने भी क्वेश्चन थे, और साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो यूनिट था वो भी इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम कोई और यूनिट उठाएंगे, तब तक आप घर में रहिए, काम करते रहिए, सिर्फ अपना काम जारी रखिए, वक्त ज़ाया मत कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।